ऑर्गेनिक कम्पाउंड जैसे कि वो कंपाउंड्स विच आर डिराइड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स या प्लांट के अंदर एनिमल के अंदर में जो कंपाउंड्स प्रेजेंट है अब कंपाउंड्स हो गया जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो भी न्यूट्रिएंट्स वो लोग लेते हैं ठीक है प्रोटीन फैट्स एटसेट्रा एट्सेट्रा ठीक है ग्लूकोज या जो भी चीज़ें हैं वो सब में बच्चों वो सब वो सब को हम बोलते हैं क्या वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सब में ना कार्बन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है सो यहाँ पर हम लोग वही कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स बनाता है ठीक है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि आप लोग बेसिकली इसके बारे में क्लास टेन में पढ़ोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर वर्ड सुनते हो ऑर्गेनिक तो याद रखना एनिमल एंड प्लांट से रिलेटेड है मतलब केमिकल फ्री चीज़ों को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक ठीक है so सो उसमें ना कार्बन मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है क्या होता है उसमें कार्बन मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कार्बन का सिंबल होता है सी एटमिक नंबर होता है उसका सिक्स अच्छा <coughs> अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल सिंपल एग्जांपल्स दूं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसमें कार्बन पाए जाते हैं तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स वाइटामस कॉटन वूल सिल्क मतलब ये सब चीज़ों में ना पाए जाते हैं क्या कार्बन और अगर मैं इनऑर्गेनिक का बात करूं तो ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक में नहीं पाए जाते होंगे इनऑर्गेनिक का मतलब जो अर्थ से हमको डिराइव होते हैं ठीक है जैसे कि कोई कार्बोनेट्स हो गया जैसे कि आप लोग फार्मूला पढ़ते हो ना सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट एड्सक्ट्रा एट्सट्रा तो वही सब कार्बोनेट्स में बच्चों कार्बन प्रेजेंट होता है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन प्रेजेंट होता है जो कि एक इनऑर्गेनिक है सब्सटेंस ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट्स ये सब इनऑर्गेनिक होते हैं ये सब हम लोग मतलब ये सब ऐसे प्लांट प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं होते हैं ये लोग ठीक है ऑर्गेनिक नहीं ये सब केमिकल्स है ऐसे आप लोग याद रख सकते हो हुआ अच्छा अभी जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन के बारे में थोड़ा और जानने का तो बच्चों कार्बन जो होता है वो ना फ्री एंड कम्बाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है कार्बन इज फाउंड इन द फ्री एंड कम्बाइंड स्टेट शायद क्लियर दिख रहा है कि नहीं मैं इसको नीचे कर देती हूँ एक मिनट रुको अब ठीक है अब शायद दिखता हो अच्छे से ओके हाँ सो कार्बन जो है वो ना हमारे एनवायरनमेंट में नेचर में वो दोनों तरीके से पाया जाता है मतलब फ्री फॉर्म में भी एंड कंबाइंड स्टेट में भी ठीक है फ्री स्टेट में भी एंड कंबाइंड में भी फ्री में पाया जाता है बच्चों वो डायमंड में कोल में ग्राफाइट में मतलब इन इन फ्री स्टेट इट ऑकर्स एज डायमंड ग्रेफाइट एंड कोल जिसके बारे में पढ़ोगे और अगर मैं कंबाइंड का बात करूँ कंबाइंड का मतलब कार्बन वहाँ पर किसी और सब्सटेंस के साथ मिल के बॉन्ड बना के रहता है वैसे बोलते हैं कंबाइंड का मतलब कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ वहाँ पर मिल के बॉन्ड बना के अगर है तो इन कंबाइंड स्टेट कहाँ कहाँ पाया जाता है ये कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स वाइटामस मिथेन इथेन पेट्रोलियम पेट्रोलियम आप लोग सुने हो नेचुरल गैस आप लोग सुने हो जो सी होता है एल होता है ठीक है और आपका लाइमस्टोन हो गया मार्बल कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये सब में कार्बन ऐसे फ्रीली अलग अकेले प्रेजेंट नहीं है कार्बन किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के ये सब में प्रेजेंट इसलिए बोले कंबाइंड स्टेट में कार्बन ऐसे प्रेजेंट होता है ठीक है फिर आप लोग एक और वर्ड सुनोगे हाइड्रोकार्बन तो बच्चों हाइड्रोकार्बन एक्चुअली वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं यहां पर आपको पता चल जाएगा हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन होगा और दूसरा होगा कार्बन तो हाइड्रोकार्बन हम उस कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो ही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मिथेन हो गया एग्जाम्पल हो गया मिथेन मिथेन का फॉर्मूला होता है सी एच फोर एक मिनट मिथेन का फॉर्मूला होता है सी एच फोर ठीक है मीथेन का फॉर्मूला होता है सी एच पोर तो ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन है ठीक है इसके अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है तो आप लोग ये चीज़ भी पढ़ोगे और भी बच्चों वुड में पेपर में पेंट में इंक में इसमें भी कार्बन पाया जाता है ठीक है आप बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो आप लोग सुने हो एंटीबायोटिक्स में भी कार्बन पाया जाता है ठीक है और पॉलीथीन बनाने में भी कार्बन को यूज़ किया जाता है तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिसमें कार्बन को यूज़ किया जाता है तो देखोगे तो बहुत सारी चीज़ ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक चीज़ें भी भी जो हम हम लोग डे डे टू लाइफ में यूज़ करते हैं हम की नेसेसरी चीज़ उसमें भी कार्बन पाया जाता है ओके नाउ एलोट्रोपी ऑफ कार्बन या फिर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन तो एलोट्रोप्स होता क्या है देखो ये जो कार्बन का यहाँ पर एलोट्रोप्स का बात किया है यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग एलोट्रोपी का मतलब समझ जाते हैं क्योंकि वो इसी में ही यूज़ होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट मतलब एक एलिमेंट है जो कि सेम फिज़िकल स्टेट में ही पाया जा रहा है लेकिन वो दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में पाया जा रहा है जैसे कि कार्बन वही सॉलिड स्टेट में ही रहता है कार्बन ठीक है कार्बन सॉलिड फॉर्म होता है ना ये एक नॉन मेटल जो सॉलिड रहता है तो कार्बन बच्चों एक एलिमेंट हो गया जो कि दो या दो से ज़्यादा उसका कोई फॉर्म होगा उसका कोई रूप होगा और दोनों या तीनों फॉर्म में वो अपना सेम फिज़िकल स्टेट अगर सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म में ही वो पाया जाएगा दोनों तीनों फॉर्म में लेकिन उसका फॉर्म अलग रहेगा वही एलिमेंट कार्बन है वही अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है लेकिन सब जगह उसका जो फिजिकल स्टेट है वो सेम रहेगा अगर सॉलिड है तो सॉलिड में ही वो पाया जाएगा ठीक है अच्छा तो ये होता है एलोट्रॉपी और एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है एलोट्रोप्स मतलब वो अलग अलग फॉर्म होते हैं ना कार्बन के उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एलोट्रोप्स जैसे कि यहाँ पर लिखा है द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट मतलब यहाँ कार्बन का बात हो रहा है कार्बन का जो अलग अलग फिजिकल फॉर्म हम लोगों को मिलता है इन द सेम फिजिकल स्टेट मतलब अलग अलग जो हम लोगों को कार्बन का अलग अलग रूप देखने को मिलता है अलग अलग फॉर्म देखने को मिलता है और सब फॉर्म में फिजिकल स्टेट सेम रहेगा तो अलग अलग फॉर्म्स को हम बोलते हैं बच्चों एलोट्रोप जैसे कि कार्बन जो है जैसे कि मैं आपको बोलूँ यहाँ पर डायमंड और ग्राफाइट एक बार इसको देखो अब डायमंड और ग्राफाइट कार्बन ही पाए जाते हैं दोनों में डायमंड में भी और ग्राफाइट में भी ठीक है दोनों मतलब कार्बन का अलग अलग फॉर्म है डायमंड भी और ग्राफाइट भी और दोनों सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं तो दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है लेकिन फॉर्म अलग है दोनों सेम कार्बन के ही हैं कार्बन से ही ये लोग बने हुए हैं ठीक है एलिमेंट सेम है रूप अलग अलग है फॉर्म अलग अलग है और दोनों में फिजिकल स्टेट सेम है मतलब डायमंड भी बच्चों सॉलिड फॉर्म में, में रहता है ग्राफाइट भी सॉलिड फॉर्म में रहता है ठीक है तो अगर हम लोग बात करें कार्बन का तो बेसिकली कार्बन का दो एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है कार्बन का दो एलोक्ट्रॉपिक फॉर्म होता है एक होता है क्रिस्टलाइन एक होता है एमॉर्फस ठीक है अब हम लोग अगर इसको ये नहीं जाके अगर इसको देखेंगे तो कार्बन का दो फॉर्म होता है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस ठीक है कोई अगर पूछता है ना कि कार्बन कौन से दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है या एग्जिस्ट करता है तो एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब इसमें प्रॉपर शेप ऊप रहेगा क्रिस्टल ज्योमेट्रिक शेप दिखेगा जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन वो होता है मतलब वही कार्बन है लेकिन यहाँ पर वो प्रॉपर शेप उसका नहीं बनेगा पाउडर फॉर्म में रहेगा ठीक है पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके अच्छा तो अगर मैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ़ कार्बन का बात करूं तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन में डायमंड ग्राफाइट फुलरीन ये तीन आएंगे पहले हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे पार्ट वन में हम लोग ट्राई करेंगे कि इसी तीनों को कवर करें और एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन में आता है चारकोल और आपका लैम ब्लैक गैस कार्बन कोक बहुत सारी चीज़ें हैं तो कार्बन का दो, दो एलोक्ट्रोपिक फॉर्म है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस क्रिस्टलाइन में डायमंड डायमंड्राफाइड फुलरीन आएगा एमॉर्फस में चारकोल लैम ब्लैक कोक ये सब आएंगे क्रिस्टलाइन का मतलब होता है मतलब यहाँ पर जो भी कार्बन को आप लोग एग्जाम्पल देखोगे उसका प्रॉपर शेप ऊप होगा जोमेट्रिक शेप होगा एमॉर्फस में कोई जोमेट्रिक शेप नहीं होता पाउडर फॉर्म में रहते हैं वो लोग सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन देखो क्वेश्चन आता है कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन तो वहां पर आपको लिखना क्या है आपको लिखना है डायमंड ग्रेफाइट एंड फुलरीन सबसे पहले डायमंड के बारे में पढ़ेंगे तो बच्चों डायमंड का एक चीज याद रखना इट इज दार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैन ठीक है डायमंड बहुत हार्ड होता है और प्योरेस्ट फॉर्म होता है ये कार्बन का ठीक है डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है एंड प्योरेस्ट फॉर्म होता है ये किसका कार्बन का बहुत शाइन करता है चमकता है ये क्रिस्टलाइन होता है इसका आप देखना एक अलग सा जोमेट्रिकल शेप होता है डायमंड का अलग अलग कलर में ये अवेलेबल हो सकता है ठीक है डायमंड देखना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है वो क्यों होता है क्योंकि उसके अंदर में ना मेटलिक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर में डायमंड के अंदर में मतलब मेटल का कुछ इंप्योरिटी वहाँ पर प्रेजेंट होगा इसीलिए वो अलग अलग कलर देता है मतलब वही मेटलिक इम्प्योरिटीज डायमंड को अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है ये चीज़ ना आप लोग क्लास ट्वेल्व में ए, ए, एक लास्ट चैप्टर है एडिशनल कंपाउंड्स करके हाँ उसमें आप लोग पढ़ोगे एडिशनल कंपाउंड्स करके पढ़ोगे आप लोग उसमें ओके डायमंड बहुत ज़्यादा शाइन करता है क्यों करता है क्योंकि जब इसमें लाइट घुसती है तो अंदर ही अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो कि क्लास टेंथ का एक टॉपिक है ठीक है रिफ्लेक्शन चैप्टर में ये होता है मतलब अंदर के अंदर में लाइट बाहर नहीं जा पाता एक बार यहाँ जाता है मतलब जैसे लाइट घुसता है डायमंड के अंदर वो अंदर ही अंदर इधर उधर 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 टकराता रहता है जैसे फिर हेरा फेरी में वो कांच का घर में अक्षय कुमार घुस गया था और वो क्या हो रहा था जब भी वो मतलब इतना कंफ्यूज हो गया था कि वो बाहर निकलने का कोशिश कर रहा था पर निकल नहीं पा रहा था एक बार घुस गया था तो एक बार ये कांच से टकरा रहा है एक बार ये कांच से टकरा रहा है एक बार ये कांच से सिमिलरली डायमंड के अंदर में जब लाइट घुसता है ना तो लाइट निकल नहीं पाता जल्दी से वो ऐसे 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 करके वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है जिसकी वजह से वो खूब ज़्यादा शाइन करता है ठीक है अभी तो डायमंड का सिर्फ स्टार्ट हुआ है ना ओके अभी दूसरा पेज कौन सा है ये रहा। ये होता है ओके अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ बोल रहा है कि नेचुरली डायमंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन डीप इनसाइड साइड द अर्थ अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर मतलब डायमंड नेचुरली कैसे कहाँ मिलता है कैसे मिलता है ऐसे ही बोलते हैं ना कि ज़मीन के अंदर में जो कार्बन बहुत अंदर में रहते हैं डीप इनसाइड द अर्थ मतलब जो कार्बन वहाँ पर रहते हैं बेसिकली कोयला से ही तो बनता है ये डायमंड ठीक है तो कोयला रहता है उसमें कार्बन प्रजेंट है एक्सट्रीम वो हाई प्रेशर वो हाई मतलब एक्सट्रीम जो कंडीशंस होता है ना हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर उसकी वजह से फिर उनमें केमिकल चेंजेस आता है एंड वो लोग डायमंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो डायमंड्स हमेशा ना बहुत ज़्यादा आउट करना पड़ता है डायमंड्स के लिए और बहुत जगह दिखाता है कि वो लोग ज्वालामुखी वाले वो वाल वालकनों में भी पाए जाते हैं एटसेकट्रा एटसेकट्रा जो भी है ठीक है अगर आर्टिफिशियल डायमंड्स का बात करें तो आर्टिफिशियल डायमंड्स कैसे बनाते हैं वही कार्बन को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं कैसे कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर देके हाई टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं उसको कंप्रेस किया जाता है मतलब तो अलग अलग तरीका है बच्चों अब आर्टिफिशियली ऐसे बनाया जाता है तो आप लोग ऐसे पढ़ रहे हो तो याद रखना नेचुरली आर्टिफिशियली कैसे बनाया जाता है ठीक है नेचुरली में हमारा कोई रोल नहीं है आर्टिफिशियली में इंसान मतलब एक्सपेरिमेंट करके बनाता है ठीक है अभी डायमंड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डायमंड दिखता कैसा है तो बच्चों डायमंड का बेसिकली टैट्राहाइड्रन स्ट्रक्चर होता है टैट्राहाइड्रन इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है टैट्राहाइड्रन में ठीक है अब हम लोगों को पता है कि ये कार्बन से बना हुआ है तो यहाँ पर बेसिकली एक, एक जो आपका क्या बोलते हैं इसको कार्बन होता है वो टोटल चार बॉन्ड बनाता है एक कार्बन चार दूसरा कार्बन से लगा रहता है तो इस टाइप का स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रन बोलते हैं ठीक है थीके? तो डायमंड में बेसिकली उससे पहले एक चीज़ ये देख सुन लो कि जो कार्बन होता है ना कार्बन में जो कार्बन होता है उसके बाहर में होता है चार इलेक्ट्रॉन आप लोग पढ़े हो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़े हो ना उसमें आप लोग पढ़े होगे कि कार्बन के बाहर में होते हैं चार इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स चार इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो चार बॉन्ड बनाएगा टोटल वो कितना बॉन्ड बनाएगा चार बॉन्ड बनाएगा इसको याद रखने में जो बोर्ड उसको लिख लो कार्बन जो है उसके बाहर में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो चार बॉन्ड बनाता है बेसिकली कार्बन वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ज़्यादा से ज़्यादातर वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ठीक है एक नॉन मेटल है ये तो जब नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और हम लोग तो यहाँ पर कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो इसमें कार्बन ही है डायमंड में तो पूरे है ना तो so, बच्चों देखो डायमंड में बेसिकली ईच कार्बन एटम अब डायमंड कार्बन से बना हुआ है जैसे कि ये एक कार्बन एटम है क्योंकि इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है डायमंड में डायमंड में ईच कार्बन एटम इज लिंक टू फोर मोर कार्बन आइटम डायमंड में ऐसा है एक कार्बन एटम और चार कार्बन एटम के साथ वो बॉन्ड बनाता है ठीक है तो यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर है और वही लिखा है कि ईच कार्बन एटम इन डायमंड डायमंड में हर एक कार्बन एटम चार अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा रहता है जैसे कि ये एक कार्बन एटम है ये देखो ये एक कार्बन से जुड़ा है ये दूसरा कार्बन से तीसरा कार्बन से और ये चौथा कार्बन से और कौन सा बॉन्ड है उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड तो ये चीज़ याद रखना वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है और किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं ये लोग रेगुलर टेट्रा कैसे बनाते हैं रेगुलर टेट्रा ठीक है मतलब इनका इस टाइप से अरेंजमेंट होता है एंड मतलब ये लोग इस टाइप से ऐसे पैक्ड रहते हैं इस टाइप से इनका अरेंजमेंट रहता है कि ऐसे एपियर होता है कि ये लोग ना एकदम क्लोजली पैक्ड थ्री स्ट्रक्चर है मतलब इस टाइप का अरेंजमेंट होता है इनका जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इतना एकदम क्लोजली पैक्ड टाइप ये लोग लगते हैं जिसकी वजह से ना इनका थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है हाँ ऐसे कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा वीक होता है बट यहाँ पर हर एक कार्बन चार चार कार्बन आइटम से बॉन्ड बना के रखा है इस टाइप से इनका अरेंजमेंट रहता है कि इनका जो स्ट्रांग जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है ठीक है एंड दिस स्ट्रांग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हार्डनेस ऑफ डायमंड यही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ही जो डायमंड होता है उसको अपना हार्डनेस मिलता है एंड जब लाइट इसके अंदर घुसता है इट अंडर रिपीटेड रिफ्लैक्शन इन साइड इट जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होता है ठीक है अच्छा अब थोड़ा देख लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में प्रॉपर्टीज़ में डेफिनेटली पहला तो ये है कि प्योरेस्ट फॉर्म है हार्डेस्ट सब्सटेंस है इसका डेंसिटी थोड़ा सा डेंस होता है ये तो तो इसका जो डेंसिटी होता है वो होता है थ्री पॉइंट फाइव ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है देन इट स्पार्कल्स लॉट बहुत चमकता है क्यों चमकता है वो जानते हो आप लोग यहाँ पर ऐसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स लोग यहाँ पर अपना चार कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं दूसरे कार्बन के साथ तो कोई तो इलेक्ट्रॉन छूटा नहीं यहाँ पर तो इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता नहीं है इसलिए ये लोग बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बट इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे एक्सरे से के लिए अगर हम एक्सरे के साथ इसका रिलेशन देखेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट होता है टू एक्सरेज इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है दैट इज़ थ्री डिग्री सेल्सियस अगर आपके बुक में थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू दिया है तो आप लोग वो लिखना अगर डिफरेंट दिया है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके बुक में डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना दिया है ठीक है वैन हीटेड इन ऑक्सीजन अबव सेवन टू एट डिग्री सेल्सियस जब हम लोग इसको ऐसे हवा में जलाएंगे ऑक्सीजन मतलब क्या नॉर्मली एयर के प्रेजेंस में हम लोग इसको लाइक like, जला रहे हैं ठीक है और टेम्परेचर कितना 700 से 800 डिग्री सेल्सियस अगर इतने हाई टेम्परेचर में हम लोग इसको जलाते हैं तो ये इसमें तो कार्बन ही रहता है डायमंड मतलब क्या कार्बन का ही है ये तो ये क्या करता है जल के बनाता है कार्बन डाईऑक्साइड क्या बनाता है ये कार्बन डाईऑक्साइड लेकिन अगर हम लोग इसको इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हटा देंगे अगर बिना ऑक्सीजन के हम लोग इसको हीट करेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट वॉट अब अब फिफ्टीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो ये ग्राफाइड बना देगा सोचो मतलब डायमंड को आप ग्राफाइट में कन्वर्ट कर सकते हो कैसे इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और टेम्परेचर आप पंद्रह सौ के ऊपर अगर उतना टेम्परेचर में आप लोग इसको हीट करोगे तो ये ग्राफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर मैं इसका रिएक्टिविटी का बात करूं तो बच्चों ये अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ये ना एसिड से रिएक्ट करेगा ना एल्कली से करेगा ना कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से करेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कोई पेट्रोल वेट्रोल ये सब से किसी से रिएक्ट नहीं करेगा अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ठीक है तो इनर्ट लिखा है दैट मीनस ये रिएक्ट नहीं करेगा ठीक है ओके okay. अगर हम लोग इसका यूजेस देखेंगे तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी आइटम पता है है ना डायमंड नाइफ्स आर यूज है सर्जिकल टूल्स टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम आई सोचो आई का जो ऑपरेशन होता है कैटरेक्ट का उसमें जो नाइफ्स होता है वो डायमंड नाइफ्स होता है इट इज़ यूज फॉर ड्रिलिंग इन टू हार्ड रॉक्स इतना हार्ड होता है कि हार्ड रॉक्स में ड्रिल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है दैन जो सिंथेटिक डायमंडस होते हैं दे आर वाइडली यूज इन कटिंग एंड ग्राइंडिंग टूल्स जो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं जो आर्टिफिशियल डायमंड्स होते हैं उनको हम लोग कटिंग एंड ग्राइंडिंग टूल्स के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर जैसे कि डायमंड बहुत जिन जो शॉपिंग करते हैं जो लेते हैं डायमंड की चीज़ों को अगर हम लोग बात करें तो डायमंड का बच्चों बेस्ट डायमंड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो फोर सी के थ्रू होता है ऐसे बोलते हैं कि चार सी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फोर सीज ठीक है एक सी का मतलब होता है कैरेट दूसरा कट मैं लिख दूँ क्या आपकी बुक में तो दिया होगा मैं इसलिए नहीं लिखी थी कैरेट कट कलर एंड क्लैरिटी मतलब कितना ट्रांसपेरेंट है ये ठीक है एक कैरेट का मतलब टू हंड्रेड मिलीग्राम टू हंड्रेड मिलीग्राम किसका डायमंड का ठीक है सो so, डायमंड्स को बेसिकली जो इसका वज़न किया जाता है ना वो इसके कैरेट के हिसाब से ही वज़न किया जाता है एक कैरेट मतलब दो सौ मिलीग्राम एक कैरेट का मतलब होता है टू हंड्रेड मिलीग्राम ओके सो फोर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मतलब जो भी इसका बेसिकली बेस्ट डायमंड जो हो उसको चार इसका चार करेक्टरिस्टिक्स होता है अगर उस पर खड़ा होता दैट मीन्स वो डायमंड बेस्ट है क्या है सबसे पहले होता है कैरेट मतलब उसको वजन जो किया जाता है वो कैरेट में किया जाता है देन कट मतलब कितने अच्छे से वो शार्प वो कट किया गया उसमें ताकि वो अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके उतना वो शाइन करेगा देन उसका कलर एंड थर्ड द लास्ट वन इज़ क्लैरिटी क्लैरिटी मतलब उसका ट्रांसपेरेंसी का बात कर रहा है ठीक है एंड इसका जो वेट है वो कैरेट के हिसाब से ही किया जाता है वन कैरेट होता है बच्चों टू हंड्रेड मिलीग्राम टू हंड्रेड मिलीग्राम अगर हम लोग बात करेंगे द फेमस कोहिनूर डायमंड का तो वो बच्चों उसका वजन है 186 एटी सिक्स कैरेट्स इसको याद रखना 186 एटी सिक्स कैरेट्स उसका एक्चुअल वजन है ठीक है अब पढ़ेंगे ग्राफाइट के बारे में ओके सो so, ग्राफाइट ग्राफाइट जैसे कि डायमंड बहुत हार्ड था है ना ग्राफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है स्लीपरी टू टच होता है जैसे कि आप लोग पेंसिल का जो लीड होता है हम लोगों का जो ब्लैक मार्क छोड़ता है जब अपन लिखते हैं ना तो लीड से जो तो लिखते हैं बच्चों वो ग्राफाइट का बना हुआ रहता है वो सॉफ्ट होता है है कि नहीं स्लीपरी टू टच होता है ठीक है और जो पेंसिल में जो लेड हम यूज़ करते हैं उसमें ग्राफाइट होता है ग्राफाइट के साथ थोड़ा क्ले को मिक्स करके उसको बनाया जाता है तो ये भी जो है ग्राफाइट ये कार्बन का एक फॉर्म है कौन सा फॉर्म होगा बच्चों क्रिस्टलाइन के एमॉर्फस क्रिस्टलाइन क्योंकि इसका पर्टिकुलर शेप होता है एमॉर्फस का मतलब तो समझ जाओ पाउडर टाइप ठीक है तो इसका कलर क्या होता है ग्राफाइट का ग्रेइश ब्लैक और ये ओपेक होता है ट्रांसपेरेंट नहीं होता ओपेक होता है आप लोग पेंसिल का लीड के आर पार देख सकते हो क्या नहीं देख सकते हो तो वो ओपेक होता है इट इज मेड अ फ्लैट प्लानर लेयर ऑफ़ कार्बन एटम्स मतलब जो ग्राफाइट होता है वो कैसे बना रहता है वो फ्लैट प्लानर लेयर ऑफ़ कार्बन एटम से बना हुआ रहता है मतलब उसके ऊपर लेयर बाय लेयर कार्बन का अरेंजमेंट होता है ईच लेयर कंटेंस हेक्सागोनल रिंग्स कंजिस्ट ऑफ सिक्स कार्बन आइटम्स मतलब ऐसे लेयर बाय लेयर ऊपर नीचे से लेयर होता है हर एक लेयर में ना हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं हेक्सागोनल मतलब सिक्स कार्बन एटम्स अब एक दूसरे को ऐसे ऐसे हेक्सागोन शेप में रहते हैं ऐसे ऐसे रहते हैं ठीक है तो हेक्सागोनल रिंग्स हो गया और इसमें छः कार्बन ऐटम प्रेजेंट होते हैं ठीक है अच्छा ग्राफाइट में ईच कार्बन आइटम इज कोवलेंटली लिंक टू थ्री कार्बन आइटम्स रैदर टू फोर मतलब ऐसे रहता है बताऊँ कैसे इसका मैं डायग्राम दिखा दूँ ये इसका डायग्राम है मतलब इस टाइप से हेक्सागोनल रिंग्स दिख रहा है ये प्लान एकदम ये प्लानर लेयर होता है एक के ऊपर एक ऐसे लेयर होते हैं और अगर मैं हर एक कार्बन को देखूं तो बेसिकली हम लोग को पता है कि एक कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है ठीक है यहाँ पर हर एक कार्बन ना मैक्सिमम वो तीन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है तीन कार्बन से जैसे कि ये कार्बन को देखो ये कार्बन को ये एक कार्बन से जुड़ा है ये दूसरा से ये तीसरा से जिसको जुड़ना चाहिए फोर कार्बन से लेकिन ये तीन से जुड़ा है तो तीसरा का मतलब तीन कार्बन से जुड़ा है चौथा जो इलेक्ट्रॉन है उसका अकेला रह गया तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है मैं एक बार फिर से इसको समझा देती हूँ यहाँ समझो ऐसे करके समझाते हैं जैसे कार्बन बेसिकली कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन रहता है मतलब कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ भी बनाएगा पर बनाएगा ठीक है ग्राफाइट के केस में अब ग्राफाइट में तो कार्बन ही है है ना तो ग्राफाइट के केस में हर एक कार्बन जो कोवलन बन बनाता है ना वो तीन कार्बन के साथ बना लेता है और इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो खाली रह जाता है मतलब एक कार्बन तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन इसका जो रह गया वो ऐसे ही रह गया तो वो हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से ना ग्राफाइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है समझ पाए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ये चीज़ डायमंड में नहीं हो पा रहा था डायमंड में हर एक कार्बन चार चार बॉन्ड बना रहा था बट यहाँ पर हर एक कार्बन तीन तीन बॉन्ड बनाता है ठीक है ये चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये देन ग्राफाइड इज ऑल्सो यूज एज अ लुब्रिकेंट ग्राफाइड को एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ किया जाता है ठीक है क्यों यूज़ किया जाता है उसका रीज़न ये है कि ग्राफाइट में जो कार्बन के जो लेयर्स होते हैं ना कार्बन एटम्स के जो लेयर्स होते हैं उन लोगों के बीच में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये लेयर एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड कर पाते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉग नहीं होता ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड कर पाते हैं बहुत ईजिली और बहुत ईजिली अगर स्लाइड कर पा रहे हैं तो डेफ़िनेटली लुब्रिकेंट के तौर पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ठीक है देन इसका प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं तो डायमंड का अगर मैं कलर का बात करूँ तो ग्रेस ब्लैक होता है ओपेक् सॉलिड होता है ऐसे कोई पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर तो नहीं बोलना चाहिए ऐसे कोई <coughs> ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता ऑपेक होता है अगर आप लोग अपना पेंसिल का लेड को भी देख लोगे ना तो समझ जाओगे ठीक है शाइनिंग खूब होता है देखना पेंसिल का लेड में शाइनिंग कितना रहता है चमकता है ना ये हाँ चमकता है पर अगर मैं बात करूँगी इसका डेंसिटी का तो डायमंड का डेंसिटी ज़्यादा होता है इसका डेंसिटी कम होता है ठीक है और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ये चीज़ तो क्लियर हो ही गया है इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अगर आपके बुक में अलग दिया है तो आप लोग मैंशन कर देना जब हम लोग ग्राफाइड को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट सेवन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो ये जल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है क्या प्रोड्यूस करेगा कौन सा गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है डायमंड की कंपैरिजन ये थोड़ा सा स्लाइटली रिएक्टिव होता है डायमंड कम्पेरिजन इट इज स्लाइटली रिएक्टिव ठीक है सो यहाँ पर है इट इज़ स्टली मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू वो डायमंड एंड इट इज़ ऑल्सो इन्सॉल्यूबल इन मोस्ट सॉलवेंट जैसे कि डायमंड का हम लोग पढ़े थे अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन वो इनर्ट होता है सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो इन्सॉल्यूबल इन मोस्ट सॉलवेंट्स नॉर्मल हैन यूज ऑफ ग्राफाइट पहला तो इट इज़ यूज बेसिकली हम लोग इसको यूज करते हैं ग्राफाइट को एज पेंसिल लेड मिक्स करते हैं क्ले के साथ तो ये क्या करता है ना जब हम लोग इसको क्ले के साथ मिक्स करते हैं तो पेपर में ये ब्लैक मार्क छोड़ता है तो हम लोग इसको आराम से पेंसिल पे एज लेड हम लोग यूज़ कर पाते हैं ठीक है ये सॉफ्ट एंड स्लीपरी होता है तो हम लोग इसको लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ कर लेते हैं मशीनरीज में ओके okay, ताकि वो लोगों का फ्रिक्शन कम हो क्वेश्चन आ जाता है कि लुब्रिकेंट की तरह हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं क्या रीज़न है इसलिए ये यूज़ कर सकते हैं लुब्रिकेंट की तरह क्योंकि ये फ्रिक्शन को कम करेगा और अगर ये इसका रीज़न पूछेगा कि ग्राफाइड को हम लुब्रिकेंट की तरह यूज़ कर पाते हैं क्यों तो आप लोग ये लिख सकते हो वहाँ पर कि इसका जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन रहता है जो स्लीपरी रहता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वाला आप लोग लिख सकते हो ठीक है ओके देन और इसका क्या है इट इज़ यूज टू मेक ब्लैक पेंट एंड प्रिंटर्स इंक वही ये ब्लैक कलर ये देता है बोल के इसको हम लोग इंक में भी यूज़ करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होता है जिसकी वजह से ना वो जो केमिकल रिएक्शन जब होता है ना बड़े बड़े लाइक like फैक्ट्रीज़ में तो वहाँ पर जो क्रूसाइबल्स बनाया जाता है उसको तो ग्राफाइट का बनाया जाता है क्योंकि ग्राफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है जिसकी वजह से वो लोग क्या होते हैं वो लोग बिल्कुल भी मतलब वो क्रूसाइबल जल्दी से पिघलेगा नहीं क्योंकि देखो जब भी इस टाइप का हीट वाला रिएक्शन होता है तो ऐसे ही यूटेंसिल या ऐसे ही अपेराटिस यूज़ किया जाता है जिसको फ़र्क नहीं पड़े हीट से तो ग्राफाइट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है बहुत हाई है जिसकी वजह से ग्राफाइट को यूज़ करते हैं टू मेक क्रूसाइबल्स फॉर कंडक्टिंग हाई टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन एंड मेल्टिंग सब्सटेंस ठीक है इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक ड्राई सेल्स आप लोगों के देखे हो गए सेल्स जो होते हैं बैटरी जो हम लोग घर पर यूज़ करते हैं टी वी का रिमोट में उसमें भी ऐसे काला काला कलर का दो टो तो ग्राफाइड का रहता है कि नहीं रॉड बस वही है इट इज़ ऑल्सो यूज एज़ अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह पे ग्राफाइड को यूज़ करते हैं ताकि ये स्लो डाउन कर सके वहाँ का रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्शन को थोड़ा स्लो डाउन कर सके बोल के हम लोग इसको वहाँ भी यूज़ करते हैं ठीक है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है मॉडरेटर के तौर पे किसको यूज़ करते हैं तो ग्राफाइट को ठीक है नेक्स्ट जो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है वो है फुलरीन फुलरीन बच्चों अभी ही रिसेंटली ही इसको लाइक like, क्या बोलते हैं रिसेंटली ही ये डिस्कवर्ड किया गया है फुलरीन ये भी कार्बन का एक फॉर्म है तीनों में देखो कार्बन है डायमंड में भी कार्बन इसमें भी कार्बन ग्राफाइट में भी कार्बन तीनों में सॉलिड फॉर्म होते हैं कार्बन के ठीक है ना तीनों एलोट्रॉप्स है कार्बन के है ना सो so, फुलरीन बेसिकली ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है अभी रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया था और बेसिकली 1985 के समय ही इसको डिस्कवर किया गया है तो नाइनटीन तो अभी बहुत ही ताज़ा ताज़ा आई है ना ओके okay. सो so, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर का बात करूँ तो पहले यहाँ का स्ट्रक्चर देख लो जो बुक में दिया है इस टाइप से स्ट्रक्चर दिया है बुक में आपके बुक में भी इस टाइप से ही स्ट्रक्चर दिया होगा फुलरीन का ओके बॉल जैसा दिख रहा है ना तो so, फुलरीन में बेसिकली कार्बन के ही मॉलिक्यूल्स हम लोगों को हर जगह देखने को मिलेंगे कितने कार्बन यहाँ पर थर्टी से लेकर नाइन हंड्रेड एटम्स ऑफ कार्बन हो सकते हैं एक दूसरे के साथ ऐसे लग लग के लग लग के वो लोग बॉन्ड बना बना के ऐसे लग लग के बॉल टाइप वो लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेसिकली सो अ मॉलिक्यूल ऑफ फुलरीन कैन हैव अबाउट थर्टी टू नाइन हंड्रेड एटम्स ऑफ कार्बन ये लोग या तो क्लोस्ड केज फॉर्म में रहते हैं या फिर सिलेंड्रिकल शेप ऐसे लंबा सा सिलेंड्रिकल शेप में रह सकते हैं या फिर ऐसे क्लोज केज वाला फॉर्म ये जो फॉर्म दिख रहा है ना ऐसे फॉर्म में रह सकते हैं सबसे पहला फुलरीन जो बनाया गया था वो था सी सिक्सटी में हम लोग सबसे पहले ये फुलरीन बनाया हम लोग तो नहीं जो बनाया है वो बनाया है ठीक है तो सी सिक्सटी वॉज द फर्स्ट फुलेरिन प्रिपेयर इन नाइनटीन इसको बनाने वाले जो अमेरिकन uh, आर्किटेक्ट थे उनका नाम था आर बकमिंस्टर फुलर आर बकमिंस्टर फुलर तो वो बनाए तो उन्हीं के हिसाब से वो बनाए थे तो उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया इसका नाम पड़ गया बकमिंस्टर फुलेरन क्या पड़ गया बकमिंस्टर फुलरीन और बहुत जन इसको ना बकी बॉल भी बोलते हैं यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बकी बॉल तो बच्चों ये सॉकर बॉल की तरह भी दिखता है ठीक है इसलिए ना इसका नाम ऐसे बकी बॉल भी रख दिए हैं तो सी सिक्सटी में टोटल सिक्सटी कार्बन एटम्स रहते हैं कितने सिक्सटी कार्बन एटम्स और वो एक सॉकर बॉल की तरह ही दिखता है वो ठीक है और मतलब अगर हम लोग उसका प्रॉपर अरेंजमेंट देखेंगे तो इसमें जो कार्बन आइटम्स ऐसे अरेंज रहते हैं कि उनके पास ट्वेल्व पेंटागोनल फ़ेस होता है एंड ट्वेंटी हेक्सागोनल फ़ेस होता है ज़्यादा इसके बारे में नहीं है ठीक है देन इसकी प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ में यही है कि बेसिकली सी सिक्सटी जो है वो येल्लो क्रिस्टलाइन सॉलिड है येलो क्रस्टलाइन सॉलिड सॉलिड ही है वो एंड एट हाई टेम्परेचर ये सुपर कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है कैसे सुपर कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है मतलब कितना मस्त ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएगा सोच लो सुपर कंडक्टर मतलब क्या कंडक्टर से भी अच्छा ठीक है और इसका यूजेस क्या है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हिट इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है कैंसर एंड एड्स की थेरेपी में भी बच्चों इसको यूज़ किया जाता है किया जाता है एंड इसको भी जैसे कि ग्राफाइड को लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते थे फुलेरिन को भी लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है तो हर चीज़ का आपको ना प्रॉपर्टीज इनका कलर और इनका आ, क्या बोलते हैं उसको so, यूजेस ये सब चीज़ें ना याद रखना पड़ेगा डेंसिटी भी देख लेना जिसमें दिया है ठीक है और पहला फुलरीरिन का नाम क्या है वो भी याद रखना सी सिक्सटी जो भी है बकमिंस्टर फुलरिन जो भी है वो सब आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछा जा सकता है ठीक है ये पहला पार्ट हो गया सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन पहला पार्ट में हम लोग क्या कवर किए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन जिसमें थे डायमंड ग्रेफाइट एंड फुलर तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों को अच्छे से कर लेना नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एमार्फस फॉर्म ऑफ कार्बन देखेंगे वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना थैंक यू